तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, x कुछ समथिंग t का फंक्शन है ना, और y भी t का फंक्शन है, और हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। तो t क्या है यहाँ पे, t एक पैरामीटर है जो दोनों ही कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट, अगर हम कहते हैं कोई कर्व है, से कोई भी कर्व है, इस पे कोई पॉइंट हम p पिकअप करते हैं x कॉमा वाई, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को हैंडल कर रहा है ये t, सिंगल पैरामीटर, दैट मीन्स t इज ए सिंगल पैरामीटर विच कंट्रोल बोथ कोऑर्डिनेट्स, और हमें दैट मीन्स t पैरामीटर है। खैर, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो x तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्योंकि t का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ए टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ ए, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ टेन टी बाई टू। अब ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स ए टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस d by dt of log of tan t by 2। तो cos t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन t प्लस, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, ये d by dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, लेकिन log जो है t का फंक्शन नहीं है, log खुद किसका फंक्शन है, tan t by 2 का फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की केस है, तो यहां चेन रूल लगेगा, मतलब सबसे पहले लॉग को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टेन टी बाई टू के रिस्पेक्ट में, देन लॉग का डिफरेंशिएशन, देन टेन का डिफरेंशिएशन, देन टी बाई टू का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहां पे लॉग का डिफरेंशिएशन पहले परफॉर्म करेंगे, दैट इज वन बाई वॉट एवर इन साइड द लॉग विच इज टेन टी बाई टू, और फिर डी बाई डी टी ऑफ टेन टी बाई टू होगा। तो क्या ये एक स्टेप और आगे गया, तो हम लोग अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इस पोजीशन पे, लेकिन टेन का डिफरेंशिएशन होगा, वो भी t बाई टू के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये तो t है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज वन बाई, अच्छा इसको cot लिख सकते हैं हम लोग, cot t बाई टू, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t बाई टू d बाई डी टी ऑफ t बाई टू, और ये वैसे ही रहेगा, माइनस साइन t a बाहर रहेगा, ठीक है, ये कॉपी करना है सिर्फ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन t और प्लस cot को हम cos t अपॉन साइन t लिख सकते हैं, cos t बाई टू अपॉन साइन t बाई टू, और sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन बाई cos स्क्वायर t बाई टू, और इंटू t बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन बाई टू, तो यहां से एक कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, दैट मींस ये बन जाएगा आपका वन बाई साइन टी, और यहां पे आपका क्या है, माइनस साइन टी है ए टाइम्स। अब यहां पे जब एलसीएम लोगे आप, तो माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, मतलब माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, या यूं कह लें कि वन माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे हम दिखा देते हैं, दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन टी। अच्छा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा अपॉन साइन टी, तो ये आपका से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, तो दैट इज डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली वाई को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा आपका ए टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी होता है, कॉस, तो दैट इज डी वाई बाई डी टी। से इक्वेशन नंबर टू। नाउ अब जो dy by dx होता है, dy by dx दैट इज dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, तो dy by dt आपके पास क्या आ गया है, a cos t, और dx by dt आपका पहले इक्वेशन से क्या है, a टाइम्स
कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो अपॉन साइन टी और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्यों ना हम ऊपर ही लिख दें साइन टी, ए कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो साइन टी बाई कॉस टी बचा, विच इज साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता है, और वेरिएबल टी है, तो दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स।